हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हम जानते हैं तीन भागों में बटा होता है, फोर गट, मिड गट और हिंड गट। फोर गट में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? तो सबसे पहले शुरुआत होती है इसकी माउथ की, माउथ होता है। माउथ के बाद में क्या होता है? फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के बाद में ओएसोफेगस होता है, ओएसोफेगस होता है। और इसके बाद इसमें एक बड़ा सा क्रॉप होता है जो कि जनरली आप किसी और में नहीं देखते होंगे। तो क्रॉप किन में पाया जाता है? जैसे कि हमने लीफ में देखा था, इसके अलावा पीजन में होता है और कॉकरोच में होता है। तो ऐसे एनिमल जो उन्हें भोजन को स्टोर करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमने बताया कि लीफ क्या करता है, एक ही बार उसको, क्योंकि उसको बार बार तो मौका नहीं मिलेगा सब करने का, तो एक बार मौका उसको किसी तरीके से मिल जाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड को स्टोर कर सके, इसीलिए उसमें क्रॉप पाया जाता है। पीजन में भी क्रॉप क्यों पाया जाता है? क्योंकि उनमें क्या होता है कि खतरा होता है, वो कुछ समय के लिए ही जमीन पर आती है और उन्हें उसी कम समय में ही जल्दी जल्दी दाना चुगना होता है, तो जल्दी जल्दी दाना चुग करके वो स्टोर कर सके ज्यादा दाने को, इसके लिए उनमें क्या होता है? क्रॉप पाया जाता है। इसी तरह से कॉकरोच है, ये देखते हैं कि ज्यादा ये सब देखते हैं कॉकरोच से, जरा सी आहट होती है भाग जाता है, तो इनको भोजन बहुत जल्दी करना होता है, तो जल्दी करने के लिए स्टोर, ज्यादा भोजन को ये कर सके, स्टोर कर सके, इसीलिए इनको क्या होता है? क्रॉप पाया जाता है, ताकि जब इनके पास समय है, जब कोई आ जा नहीं रहा है, तो ये ज्यादा भोजन कर ले, उसको स्टोर कर ले। फिर उसके बाद इसके नीचे देखते हैं तो गिजार्ड पाया जाता है। गिजार्ड जो होता है वो भोजन को पीसने का काम करता है। जैसे मिक्सी होती है, मिक्सी में देखे होते हैं चार ब्लेड लगे होते हैं चार कोने पे, ऐसे ही गिजार्ड में होता है। तो जब गिजार्ड में भोजन आता है तो गिजार्ड की पेशियां भी क्या करती हैं? संकुचित होती हैं, रिलैक्स होती हैं, जिससे भोजन क्या होता है? पीस जाता है। तो गिजार्ड क्या काम करता है? भोजन को पीसने का काम करता है गिजार्ड। फिर उसके बाद होता है मिडगट, और ये सभी बात का, ये सभी पोर्शन क्या कहलाता है? हाइंड गट कहलाता है। नीचे पूरा रेक्टम एनस तक का पोर्शन हाइंड गट कहलाता है। तो फोर गट में कहां कहां तक की संरचना आ जाती है? क्रॉप तक। क्रॉप तक क्या होता है? फोर गट होता है। फिर उसके बाद हाइंड गट, और हाइंड गट के बाद की संरचना क्या कहलाती है? हिंड गट कहलाती है। हिंड गट मतलब पश्चिम भाग। देखिए, जैसे हम मनुष्य का अगर एनस देखें तो उसमें छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, सबका अलग अलग नाम दिया गया है। छोटी आंत को तीन भागों में डिवाइड करते हैं, डुओडेनम, डुओडेनम इलियम, सॉरी डुओडेनम डुडेनम जेजुनम और इलियम, ये भाग होते हैं छोटे आंत के, डुडेनम जेजुनम और इलियम। और बड़ी आंत का क्या होता है? सीका, कोलन और रेक्टम। इन्हीं तीनों भागों से नाम लेकर के ही इसके इन हिंड गट का जो भाग है उसको बनाया गया है। यदि यहाँ पर जो नॉर्मली हम क्रम याद करते हैं डुडेनम जेजुनम इलियम नहीं होता, यहाँ पर इसका दूसरा क्रम होता है और कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए बार बार पूछा जाता है कि इसके किस भाग का क्या नाम दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक तो हम देख ही रहे हैं कौन सा है, मिड गट है। मिड गट के बाद ये छोटा सा पोर्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं पाया जाता है, इसको कहा जाता है इलियम, इसको कहा जाता है इलियम। और इसके बाद ये जो बड़ा सा पार्ट है इसको कहा जाता है कोलन, और इसको कहा जाता है रेक्टम। तो अगर इस तरीके से सीक्वेंस दिया हो, क्रॉप का, गिजार्ड का, मिडगट का, इलियम का, कोलन का और रेक्टम का, तो आपको सही करना होता है। या केवल मिडगट, इलियम, कोलन, रेक्टम ऐसे करके दिया होता है तो भी सही क्या होता है, या इसमें जो है ही ना जेजुनम दे दे, आपको सीकम दे दे, रेक्टम करके दे दे कि कौन सा इसमें पाया जाता है कौन सा नहीं पाया जाता है, तो इस तरीके से। और यहाँ पर हम देखिए दो और महत्वपूर्ण संरचनाएं देखते हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। एक होता है हिपेटिक सीकी। तो जैसे कि जानते हैं कि इसमें पाचन होगा, तो पाचन तंत्र जो होता है वो दो चीज से मिलकर के बना होता है, आहार नाल
आहार नाल क्या होता है? आहार नाल वह मार्ग होता है जहाँ से भोजन गुजरता है, यानी माउथ से लेकर के एनस तक के भाग को कहा जाता है आहार नाल। और इसी आहार नाल से संबंध क्या होती है? पाचक ग्रंथियां होती है। कौन कौन सी? लीवर और पैंक्रियाज। कुछ लोग कुछ में प्राण में क्या होता था? लीवर और पैंक्रियाज ने फ्यूज होकर के क्या बना लिया था? हिपेटो पैंक्रियाज बना लिया था। तो हिपेटो पैंक्रियाज भी पाया गया। तो पाचक ग्रंथि प्लस आहार नाल को कहते हैं पाचन तंत्र कहते हैं। यानी पाचन तंत्र दो चीजों से मिला है, आहार नाल। तो आहार नाल हमने देख लिया। अब आइए इसकी क्या देखते हैं? पाचक ग्रंथि देखते हैं। तो इसकी जो पाचक ग्रंथि होती है, तो जहां पर गिजार्ड और मिडगट आपस में मिलते हैं वहां पर पाया जाता है हिपेटिक या गैस्ट्रिक सीकी कहते हैं। जस्ट यहाँ पर, और इनकी संख्या लगभग होती है इस तरीके से, ऐसे पतली पतली क्या पाई जाएंगी? हिपेटिक सीकी पाई जाएंगी। और हिपेटिक सीकी भी क्या होता है? यहाँ पर डाइजेस्टिव ट्यूब बनते हैं। इनकी संख्या लगभग 6 से 8 होती है। हिपेटिक सीकी, तो ये हिपेटिक सीकी होती है। और इनकी संख्या, या इसी को हम और नाम देते हैं गैस्ट्रिक सीकी, जिनकी संख्या कितनी होती है? 6 से 8 होती है। और उसी तरीके का संरचना एक और पाई जाती है, मालतीघियन टिब्यूल पाया जाता है। ये लगभग 150 होते हैं और पतले पतले धागे की तरह होते हैं। अब इनका काम क्या होता है कि ये मालतीघियन टिब्यूल क्या होते हैं, ये क्या होता है इसका जो यहाँ पर सिलोम होता है, यहाँ पर हमने बताया था कि जो इसमें सिलोम जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और जगह जगह पर क्या होता है? ब्लड से भरी कैविटी पाई जाती है। तो उस ब्लड से भरी हुई कैविटी को हम क्या नाम देते हैं? साइनसेस या तो लैक्यूनी नाम देते हैं। तो हम आगे ब्लड सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये क्या कहते हैं? डायरेक्ट ब्लड से जो है स्केटरी प्रोडक्ट को अवशोषित कर लेते हैं। तो जो इंसेक्ट होते हैं उनका जो स्केटरी स्केटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? मालपिगियन ट्यूब्यूल होता है। और स्केटरी प्रोडक्ट जनरली क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। तो ये यूरिक एसिड को डायरेक्टली कहाँ से? जो कॉकरोच की खासियत क्या होती है कि इसका जो सभी ऑर्गन होता है वो ब्लड में डूबा होता है। आप जानते हैं दो प्रकार का ब्लड सिस्टम पाया जाता है, क्लोज और ओपन। क्लोज जैसे कि हम लोगों में क्या होता है कि ब्लड कभी भी किसी कोशिका के संपर्क में नहीं आता, हमेशा क्या होता है? ब्लड हो गए और कोशिका हो गई के बीच में क्या होता है? ऊतक द्रव्य होता है। तो ब्लड क्या होता है? अपना ऑक्सीजन इस ऊतक द्रव में डालता है और कोशिका अपने CO2 इस ऊतक द्रव में डालती है। फिर ऊतक द्रव से CO2 होकर के कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है। और ऊतक द्रव से ही होकर के ऑक्सीजन कहाँ आता है? कोशिका के अंदर आती है। लेकिन कॉकरोच में क्या होता है कि इसका जो प्रत्येक ऑर्गन होता है वो किसके संपर्क में होता है? ब्लड में। यानी सीधा इसके आगे पीछे क्या होता है? ब्लड ही होता है, जो ब्लड में डूबा होता है। तो जो पदार्थ इसे चाहिए होता है वो ब्लड से विसरण द्वारा ग्रहण कर लेता है और अपने स्केटरिंग प्रोडक्ट को किस में डाल देता है? ब्लड में डाल देता है। तो ब्लड से डायरेक्टली स्केटरिंग प्रोडक्ट को कौन अवशोषित कर लेता है? मालपिगियन टिब्यूल अवशोषित कर लेती है। इनकी संख्या कितना होती है? जैसे कि हमने बताया लगभग कितना होता है? 150 होती है। और ये कहाँ पाई जा रही है? जहां पर मिडगट और हिंडगट क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं, उसको कहा जाता है। या तो हम कह रहे कहां पर? जहां पर मिडगट और ईलियम आपस में फ्यूज कर रहे हैं, मालपिगियन ट्यूब्यूल। मालपिगियन ट्यूब्यूल, मालपिगियन ट्यूब्यूल, ये क्या होता है? इंसेक्ट का स्केटरी ऑर्गन होता है। संख्या 150 किल। और यहाँ हम देखिए वही इसकी फिजियोलॉजी देख लेते हैं। उसके देखने से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि जो ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है इसका, ये अंदर से क्या होता है? काइटिन के द्वारा लाइन होता है, केवल मिडगट को छोड़ करके। तो मिडगट को छोड़ करके क्यों होता है वो भी देखते हैं। पहले ये क्या होता है? काइटिन से लाइन होता है।
लेकिन मिडगट पे कोई लाइनिंग नहीं होती। ठीक, मिडगट के बाद कहाँ से लाइनिंग शुरू होगी? इलियम से जाते जाते कहाँ तक जाएगी? रेक्टम तक। तो इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर, वो पोस्टीरियर और एंटीरियर दोनों ही साइड से क्या होता है? लाइंड होता है, लेकिन मिडगट को छोड़ा होता है। तो आइए अब इसकी फिजियोलॉजी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, दो सलिवरी ग्लैंड पाए जाते हैं जिससे क्या निकलता है? सलाइवा निकलता है। तो सलाइवा की वजह से कुछ पाचन कहाँ होता है? मुख गुहा में होता है। फिर उसके बाद ओइसोफेगस और फेरिंक्स में पाचन नहीं होता है। और भोजन कहाँ आता है? क्रॉप में आता है। क्रॉप के बाद भोजन कहाँ जाता है? गिजार्ड में जाता है, जहाँ भोजन को अच्छी तरीके से पीसा जाता है। तो गिजार्ड में देखेंगे तो प्रत्येक गिजार्ड में क्या होते हैं? 6 टीथ लगे होते हैं और उसके चारों ओर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है। यानी गिजार्ड की अगर संरचना देखेंगे तो गिजार्ड की अगर मसल्स देखेंगे तो ये सर्कुलर मसल्स होती हैं और काफी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, काफी मोटी मसल्स होती हैं। और इनके बीच में 6 क्या होते हैं? काइटिन के बने हुए टीथ लगे होते हैं। तो इस तरीके से जैसे आप देखते हैं मिक्सी गोल गोल घूमती है, तो इसी ब्लेड की वजह से जो मसाला होता है वो पिस जाता है। तो उसी ब्लेड की तरह ये भी मोटे और कठोर होते हैं। तो जब ये क्या कर देंगे, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर रिलैक्स होंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगे, तो ये भोजन क्या हो जाएगा? जो इसके अंदर रहेगा वो पिस जाएगा। पिसा हुआ भोजन कहाँ पहुंचेगा? मिडगट में। और मिडगट में ही कौन ओपन हो रहा है? हिपेटिक सीखी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भोजन का डाइजेशन हो जाएगा। अब डाइजेशन भी यहीं पर होता है और यहीं पर क्या होता है? भोजन का एब्जॉर्प्शन भी होता है। इसीलिए एब्जॉर्प्शन हो सके, इसीलिए यहाँ पर क्या है, काइटिन की लाइनिंग नहीं होती। क्योंकि अगर काइटिन की लाइनिंग होगी तो उससे फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा कठोर संरचना से? तो इसीलिए यहीं पर भोजन का डाइजेशन हो जाता है। और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा पूरे शरीर को भेज दिया जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो इलियम, कोलन और रेक्टम में आकर के स्टोर होता है और एनस के द्वारा समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि इलियम, कोलन भले ही आंख के पार्ट हैं, इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, लेकिन यहाँ पर भोजन का अवशोषण नहीं होता। मिडगट में ही भोजन का पाचन होता है और भोजन का अवशोषण होता है। तो किसके द्वारा होता है? हिपेटिक सीकी के बने हुए एंजाइम्स के द्वारा होते हैं। तो इस तरीके से ये है पूरे इसके एलिमेंट्री कैनाल की संरचना। इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसका रेस्पिरेटरी, इसका सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।